हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आज की ये वीडियो है अबू धाबी के लिए, और अबू धाबी में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो इस वीडियो को आप हर कोई देखिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट सबके लिए होने वाली, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है बहुत ही लार्ज नंबर में, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रोफाइल की वैकेंसी अवेलेबल है। और इन केस अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये वैकेंसी सुटेबल नहीं होगी, तभी भी आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको जॉब पोजिशंस के बारे में नहीं, काफ़ी कुछ और भी बताने वाला हूँ कि अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पहली बार एब्रॉड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एब्रॉड जा चुके हैं और उधर अच्छी सैलरी आपको नहीं मिली है, आप परेशान हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप एब्रॉड जाएं और आपको उधर अच्छी सैलरी मिले। तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आप इत्मीनान से मेरा ये शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए, जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट कंटेंट बीच में छूट जाता है। फाइन, तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, जिससे कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाव पे मैं आपके लिए लेके आ सकूं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसे आप लेके एब्रॉड जा सकें और हैवी अमाउंट अच्छी सैलरी आप ले सकें। तो अभी ये जिस रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी हो रही है, ये जिस जॉब पोजीशंस के लिए वैकेंसी हो रही है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है। अबू धाबी की ये रिक्रूटमेंट है और फ्री रिक्रूटमेंट है, मतलब आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अबू धाबी जाने वाले हैं, मतलब यूएई जाने वाले हैं, वही जगह जहाँ पे बुर्ज खलीफा है। ओके, तो आप चाहते हैं कि आप इतना सुनहरा मौका लें, ग्रैब करें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दो, ताकि ये अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है, वो वैकेंसी अवेलेबल है साइट मैनेजर के लिए, और साइट मैनेजर के पास स्टैटिक इक्विपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसकी सैलरी होने वाली है 27,000 AED। कितनी सैलरी होने वाली है? 27,000 AED सैलरी होने वाली है साइट मैनेजर की। और दूसरी जो वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है QAQC लीडर की, और QAQC क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस लीडर की, इनकी सैलरी होने वाली है 20,000 AED। जी हाँ, 20,000 AED काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है। 20,000 AED अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। साथ ही साथ काफी अच्छी, देखो आपके लिए मैं वैकेंसी लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी लेके आ रहा हूं, फ्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसी लेके आ रहा हूं। तो ऐसी वीडियो को तो शेयर करना बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी पॉज लगा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो शेयर करते हैं या नहीं, और आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है। प्लीज शेयर योर रिव्यूज, आई रियली वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। ओके, तो आप शेयर करें और मुझे बताएं कि आपने शेयर किया है, कितने लोगों को शेयर किया, सारी चीजें मेरे साथ शेयर करें। अगली जो जॉब पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है वो है प्लानिंग लीडर की। तो प्लानिंग लीडर जो जॉब पोजीशन है, यहाँ पे इस पोजीशन के लिए सैलरी रखी गई है 18,000 AED, 18,000 AED है प्लानिंग लीडर की सैलरी। देन प्लानर्स एंड लीड शेड्यूलर्स की सैलरी जो होती है वो लगभग 14,000 AED होने वाली है यहाँ पे। देन सब कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेटर की पोजीशन अवेलेबल है, और इसकी सैलरी रेंज होने वाली है 11,000 AED। सब कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेटर मतलब कोई कंपनी है, उसने अपने अंडर में सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए, तो सब कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेट करने के लिए जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेटर। इसकी सैलरी 11,000 AED है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो इस पोजीशन पर भी आप जा सकते हो और भारी मात्रा में अब बहुत ही अच्छी सैलरी ले सकते हो। देन मटेरियल कंट्रोलर मटेरियल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, 9,000 AED सैलरी होने वाली है यहाँ पे। QAQC कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, जिसकी सैलरी 14,000 AED होने वाली है। QAQC इंस्पेक्टर मैकेनिकल की वैकेंसी अवेलेबल है, इसकी सैलरी भी 14,000 AED होने वाली है। देखो, मैंने जितनी भी जॉब पोजीशंस बताई, अगर आप इन पोजीशंस से रेलेवेंट कैंडिडेट हैं
और रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और अप्लाई करना इन पोजीशंस के लिए, बिकॉज काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज मिल रही है, प्लस आपको यूएई जैसी कंट्री में ये जॉब मिल रही है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, और अगर आप किसी दूसरे प्रोफाइल में काम करते हैं और आप चाहते हैं ये हाई पेइंग सैलरी, हाई पेइंग जो जॉब पोजीशंस है इस पे जाना चाहते हैं, तो जितनी भी जॉब पोजीशंस मैंने अभी बताए और जितनी पोजीशंस मैं आगे बताने वाला हूँ, उन हर एक जॉब पोजीशंस से रिलेटेड आप लोग कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NIST से बहुत ही लोएस्ट प्राइस में। ओके, मतलब जो 3 लाख का है वो आपको 25-30 हज़ार में मिल जाएगा, जो 1.5 लाख के सर्टिफिकेशन होते हैं वो लगभग 10-12 हज़ार में आपको मिल जाने वाले हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NIST की तरफ से। और आपको पता है, अगर आपके रिज्यूमे में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नाम भी आ गया तो आपके रिज्यूमे का जो वेटेज होता है वो मोर देन 3-4 टाइम्स बढ़ जाने वाला है। ओके, और इससे आपकी सैलरी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NIST के लिए जो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेक करो, वहाँ से जाके आप इन जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखो, काफ़ी हेल्प देने वाली है। अब मैं आता हूँ कि अगली जॉब पोजिशन क्या अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, जिसकी सैलरी रेंज 9,080 होने वाली है। देन मशीनिंग कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, इसकी भी सैलरी रेंज सेम रहने वाली है 9,080। देन हैवी इक्विपमेंट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, जिसकी सैलरी रेंज है 12,080। क्वांटिटी सर्वेयर की वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे, जिसकी सैलरी है 9,080। प्लस रिगिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है, जिसकी सैलरी 12,080 होने वाली है, तो जो काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज होने वाली है। प्लस इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी जॉब वैकेंसी अवेलेबल हैं, बट हमारा जो मेन ऑडियंस है मैंने सिर्फ उनसे रिलेटेड जॉब पोजीशंस को अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी जूनियर प्रोफाइल की बात करते हैं, जूनियर प्रोफाइल में मैं सिर्फ वैकेंसीज का नाम ले देता हूँ, जॉब पोजीशंस का नाम ले देता हूँ, सैलरी रेंज नहीं बताता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल हैं। और आप जानते हैं, अगर आप इन पोजीशन से रिलेटेड आप कोई भी दूसरा बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें भी आपकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। अब मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ कि कौन कौन से बाकी पोजीशंस अवेलेबल हैं। मोटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, फ्लोर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, ड्राइवर्स की वैकेंसी अवेलेबल है, लाइट ड्राइविंग ड्राइवर्स की वैकेंसी अवेलेबल है, जो नॉर्मल कार चलाते हैं। ओके, उनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे ड्राइवर्स को भी 4,500 AED मिलने वाला है, मतलब कि 90,000 रुपये सैलरी ड्राइवर्स की भी होने वाली है। ओके, बाकी पोजीशन की सैलरी तो आपने देखी कितनी अच्छी अच्छी सैलरी है। अब मैं और पोजीशंस बताता हूँ। LDPE कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, HSE ऑफिसर की वैकेंसी अवेलेबल है, HSE सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है, हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, मशीनिंग कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, फैब्रिकेशन कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी अवेलेबल है, HSE ट्रेनर्स की वैकेंसी अवेलेबल है, और बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इनमें से अगर आपसे रेलिवेंट कोई भी जॉब पोजीशंस है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, सेलेक्शन आपका होना बहुत आसान है, बिकॉज लार्ज नंबर में वैकेंसीज है और क्लाइंट की अर्जेंट नीड है, तो जो लोग पहुंचेंगे उनका चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, बट आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है तब तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाने वाली है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये अबू धाबी की वैकेंसी है, फ्री रिक्रूटमेंट, आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे नहीं करना है, आपको फ्लाइट टिकट वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को शेयर करो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ में, साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बिल्कुल ही करो, एंड आई होप अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अभी करो। और आप अगर मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पूरी देखते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बनता है, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वैकेंसीज लेके आने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज जितना प्यार आप दिखाएंगे उसी हिसाब से ही मैं इधर से एफर्ट लगा पाऊंगा। अब ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एन इंटरनेशनल कंपनी की वैकेंसी है, और ये एक टर्न अराउंड शट डाउन प्रोजेक्ट है, 6 से 9 महीने ड्यूरेशन का। इसका वॉक इन इंटरव्यू 9 और 10 सितंबर को होने वाला है, तो आप फटाफट मुंबई पहुंचे और इसका इंटरव्यू अटेंड करें। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपके पास अगर GCC का एक्सपीरियंस है और शटडाउन का एक्सपीरियंस, तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाए। अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कि किस एड्रेस पे आपको जाना है।
यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो एड्रेस है 405 वेलिंगटन बिजनेस पार्क 2 नियर मेट्रो स्टेशन मरोल अंधेरी ईस्ट मुंबई। तो ये आपको मैंने एड्रेस बता दिया, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बता देता हूँ जिससे अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है किसी नंबर पे तो किस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल है 02246162271। अगर ये नंबर नहीं मिल रहा है तो लास्ट में जो 71 है उसकी जगह आप 72 मिला के ट्राई कर सकते हैं। वो भी नहीं मिलता है तो लास्ट में जो 72 है उसकी जगह 73 मिला के आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को आप अगर अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज और हर एक केस में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ मिल सके और वो लोग बिना किसी कंसल्टेंसी चार्ज पे किए हुए इंडिया से बाहर अब्रॉड जॉब ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।